हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक नए प्रोडक्ट की, जो कि है वॉच फोर क्लासिक, सैमसंग की वॉच फोर। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका है उसकी, फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं इसे। तो आज हम देखेंगे कि ये कैसी है और इसमें हमें क्या मिलता है, ओरिजिनल की तरह है या नहीं। और इसी के साथ मैं ये दोनों वॉच, जो कि ये दोनों ही रेप्लिका हैं, गिव अवे में दे रहा हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए, तो पहले हम बॉक्स देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। ये लिखा है इसमें स्मार्ट वॉच है दिया गया है, बैंड दिया गया है, चार्जिंग केबल दिया गया है, यूज़र मैनुअल दिया गया है, नॉट ऑल कैपेबिलिटीज़ आर अवेलेबल इन ऑल एरियाज़। ओरिजिनल की तरह तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ फीचर इसमें ज़रूर होंगे। आप इसमें कॉलिंग कर सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए। इसे आप WW Fit ऐप के ज़रिए iOS या फिर Apple के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है बॉक्स के अंदर। ये लेदर स्ट्रैप दिया गया है, तो इसे हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि और क्या क्या दिया गया है बॉक्स में। तो ये बैक बॉक्स में एक और बॉक्स है, इसमें हमें एक यूज़र मैनुअल दी गई है। ये देखिए यूज़र मैनुअल, इसमें आपको बताया गया कि इसे कैसे यूज़ करना है। और इसमें हमें एक चार्जिंग अडैप्टर दिया गया है। तो ये देखिए, ये पिन वाला है, तो इसे आप चार्ज कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक नहीं है। इसके नीचे भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं, पिन दिए गए हैं, जहाँ पर ये कनेक्ट होगा तो फिर ये चार्ज हो जाएगा। यहाँ से ये कनेक्ट होगा मैग्नेटिक, फिर इसे आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो चार्ज हो जाएगा। और ये कुछ इसके साथ हमें मिलता है अडैप्टर। और ये देखिए, बैंड काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो स्ट्रैप है लेदर स्ट्रैप दिया गया है। और नीचे की तरफ हमें यहाँ कुछ लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि स्मार्ट वॉच, लीडिंग फिटनेस, हार्ट रेट मोनिटर, ब्लड प्रेशर, KOC पास 2। यहाँ कुछ स्पीकर है, और ये हमारा डायलर है जो कि घूमता है। तो ये रहे दो बटन, एक यहाँ दो बटन दिए गए हैं। तो चलिए अब इसे ऑन करके देखते हैं। ये मैंने पावर बटन दबा के रखा। ये देखिए, ओरिजिनल लोगो के साथ आता है, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये फर्स्ट कॉपी है, इसलिए ये लोगो के साथ आती है। और इसका जो डायलर, ये कनेक्टिंग का ऑप्शन आ गया, हम बैक की दबाएंगे। और इसका जो डायलर है वो भी पूरी तरह से वर्क करता है, जैसे कि सैमसंग की क्लासिक वॉच में करता है। और अभी मैंने ये अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट नहीं किया हुआ। आप इसे iOS और एंड्रॉयड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये एप्पल से भी कनेक्ट हो जाती है। इसका डायलर भी काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है, पूरा वर्क कर रहा है। ये देखिए कितना अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और ये बटन, और ये हमारे बटन आ गए। इसमें भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। ओरिजिनल की तरह तो नहीं है, आपको पता नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आप इसे भी डायलर की जैसे घुमा सकते हैं। ब्लूटूथ म्यूज़िक, कैलेंडर वगैरह, अलार्म, फाइंड डिवाइस, वेदर, कॉल लॉग्स, डायलर, फ़ोन बुक, आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करके कॉल भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वॉच लग रही है। तो आपको स्ट्रैप के साथ मिलती है, लेदर स्ट्रैप, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ओरिजिनल वॉच है, पता ही नहीं लगता। अगर आप इसे हाथ में डाली हुई तो पता नहीं लगेगा कि ये ओरिजिनल है कि रेप्लिका है। तो ये था कुछ इसमें फीचर्स। आप इसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। WW Fit ऐप चाहिए होगी। हम दूसरा बॉक्स भी ओपन करके देखते हैं, उसमें भी ये सेम दिया गया है, वही चार्जिंग केबल वगैरह। तो ये थे कुछ इसके भी उसी तरह फीचर्स हैं। इसे भी ओपन करके हम देखते हैं। और ये देखिए, इसमें भी सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं। और ये कुछ वॉलपेपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वॉलपेपर लगा हुआ है इसमें। इसका भी डायलर काम करता है, मेन्यू में जा सकते हैं, ऐसा मेन्यू भी कर सकते हैं आप ऑप्शंस में। और
आप अगर नीचे से करेंगे तो आपको यहाँ सेटिंग्स में जा सकते हैं, ब्लूटूथ सेटिंग्स, वॉल्यूम, डिस्प्ले, और ये कुछ अबाउट में लिखा हुआ है, वॉच फॉर डिवाइस एड्रेस वगैरह, और ये बैक की है ये वाली, और आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए ऑन कर लिया, ये ऑफ कर लिया, ये देखिए ये स्टाइल है, यहाँ से ये वन स्टाइल हो गया, देखिए जैसे कि डायलर वाला हो गया, और अगर हमें दूसरा करना है तो वैसे ही स्वाइप करके, ऊपर से स्वाइप करेंगे तो ब्लूटूथ होगा, नीचे से करेंगे तो दूसरा होगा, ये दूसरा हो गया, मेन्यू वाला ये है, हाँ ये ऐसे, ये मेन्यू हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसमें काफ़ी कुछ अच्छा है, लगता नहीं कि जैसे कि डुप्लीकेट है, और ये था पावर की, हाँ इससे, और हम इसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए स्मार्ट स्टाइल, और इस तरह से हमें कुछ स्मार्ट मेन्यू मिलेगा जिसमें आप कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए इसे आप नीचे कर सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है इसका डायलर, और काफ़ी कुछ फीचर्स हैं इसमें। दोनों वॉच गिव अवे में दे रहा हूँ, अब आपको मैं बताऊँगा कि आप गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, और कुछ भी रैंडम कमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कि इस वॉच में आपको क्या अच्छा लगा। और जैसे ही 100 लाइक्स और 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे पूरे होते हैं, मैं 2 लकी विनर्स को ये वॉच खुद उनके घर तक पहुंचाऊंगा, रैंडमली पिक करूंगा कमेंट में से, बस आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जैसे ही 100 लाइक एंड 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे पूरे होंगे, 2 लकी विनर्स के ये घर पहुंच जाएगी रैंडमली। तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।